वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। ये वीडियो मैंने दोबारा बनाया है आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। देखते हैं कैसे होता है नेवल डिस्प्लेसमेंट। नाभि जो होती है, जब वो डिस्प्लेस हो जाती है तो पहले तो प्रॉब्लम आती है स्टमक में, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बैकएक, पीठ में दर्द, लेग्स में पेन। ये मेल फीमेल सबको हो सकता है, सबसे ज्यादा फीमेल्स को होता है। और कैसे होता है, जब कोई हैवी चीज आप उठाते हैं, मेन तो रीजन ये होता है, और जिसका स्टमक सिस्टम वीक है तो उसको आप सडनली मूवमेंट करते हैं राइट लेफ्ट कहीं पर भी, उससे भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है जो हर दूसरे तीसरे पर्सन को हो सकती है पर उसको पता नहीं होता है, तो वो अदर मेडिसिन खाते हैं जिससे पेट में और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कहीं आपकी नेवल जो है नाभि हटी तो नहीं हुई है, डिस्प्लेस तो नहीं है। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे। एक आपको वे बताती हूं, हमारा जो हाथ है दोनों पाम को हम ऐसे जोड़ेंगे। देखिए ये जो लाइन होती है इसको हार्ट लाइन बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में ही हार्ट लाइन है, दोनों हाथ में होती है। इसको जोड़ना है ऐसे, और उसके बाद में जो ये छोटी वाली उंगली की ये जो दो हैं लाइंस, और ये सबको जोड़ना है, मतलब हार्ट लाइन और ये छोटी वाली फिंगर्स की ये जो डिवाइडिंग लाइन है ये मिलानी है आपस में। देखिए ये जो है आपका इक्वल होना चाहिए, जैसे मेरा इक्वल आ रहा है। तो अगर किसी का ये लाइन मिलाने के बाद में जो ऊपर वाली छोटी फिंगर की लाइन है ये थोड़ी ऐसे है या ऐसे है, मतलब ये तो इधर आ रही है, इसको तो रख के हमने मेजर करना है कि ये इधर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। देखिए ऐसे एक शेप बन रही है ना इस तरीके से, तो ये बिल्कुल जो है बराबर होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे जरा भी है तो मतलब आपकी नाभि जो है वो हटी हुई है, चाहे थोड़ी भी हटी होगी तब भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम देखते हैं इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो आपको मैं बताती हूं, एक्यूप्रेशर में नेवल को बोलते हैं सोलर प्लेक्सस, ये हमारा नाभि चक्र होता है। तो इसकी जो पोजीशन है हाथ में हम देखते हैं, ये जो मिडिल फिंगर है देखिए, इससे सीधा दो ऐसे करके दो उंगली का मेजर लेंगे विड्थ ऐसे करके, जो फिर जगह आएगी बीच में ये पॉइंट है सोलर प्लेक्सस। इसको कैसे दबाएंगे देखिए, दो फिंगर से ऐसे प्रेस करके फिर छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, प्रेस करना है रिलीज करना है। तो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये नाभि चक्र है ये ठीक हो जाएगा। ये तो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है, इस हाथ में भी ये। तो बीच वाली उंगली जहां पर इसकी लास्ट लाइन होती है, यहां से ऐसे दो फिंगर का विड्थ से नीचे जो आएगा बिल्कुल इसके उंगली के नीचे, मतलब मिडिल फिंगर के नीचे वाली लाइन से ऐसे मेजर करके जो जगह आएगी आपकी इसकी सीधे में ये आएगा, तो ये हमारा पॉइंट है। इसको प्रेस करके फिर छोड़ना है, प्रेस करके छोड़ना है, दो मिनट कम से कम, मैक्सिमम 3 मिनट्स, दिन में 2 बार। अगर आपने मॉर्निंग में कुछ खा लिया तो उसके आप अराउंड 3 घंटे के बाद में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दिन में 2 बार, 2 मिनट्स मॉर्निंग और इवनिंग में। ये आपका पॉइंट था, कहाँ था, मिडिल फिंगर से इसके लास्ट लाइन से दो विड्थ नीचे आके लोकेशन में आएगा ये सोलर प्लेक्सस इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथ में। एक ये है, ये तो तरीका ऐसा है कि आपको रोज ही प्रेस करना चाहिए ताकि कभी भी आपकी जो नेवल है डिस्प्लेस नहीं हो। अब आपकी नेवल आपको पता चल रहा है कि नाभि जो है हटी हुई है, तो उसको बिल्कुल एकदम पॉइंट पर आ जाएगी जर्क मेथड। देखिए कैसे, जैसे देखिए हमारा ये हाथ है ठीक है, अभी मैं पहले लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ में करना है, लेफ्ट हैंड है, ध्यान से देखना, ये जो हाथ है इसको ऐसे बंद करके इसको स्ट्रेट रखना है और इसको सीधा रखना है। तो ये जो ज्वाइंट है हमारे एल्बो का जो ज्वाइंट है, इसके ऊपर राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, इसको ऐसे बंद करके आपका थंब ऊपर रहेगा, अंगूठा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, इसको ऐसे रखना है स्ट्रेट। अब झटके से ना आपको शोल्डर कंधे को टच करना है इस वाले से, कैसे, इसको तो रखना है,
क्योंकि हमको यहां से जर्क देना है, जर्क लगेगा यहां से, ऐसे देखिए झटका। वन, फाइव काउंट करना, देखना, टू थ्री फोर फाइव। मतलब क्या करना है आपको, ये जो रखा हुआ है इधर जर्क लगेगा स्ट्रेट, तो ये आपको इससे ऊपर टच करना है फाइव टाइम्स। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने फाइव टाइम्स करके बता दिया है, ध्यान देना कैसे कर रही हूं मैं, ऐसे मतलब ये टच करना है शोल्डर पे पांच टाइम। इधर भी ऐसे ऐसे स्ट्रेट करना है अपना हाथ, इसको बंद करना है थंब को, इस हाथ को ऐसे रखना है, फिर लेफ्ट को इसको ऐसे करके, नहीं इसको स्ट्रेट रखना है ऐसे, देन इसको जर्क देना है आपको और शोल्डर टच करना है ऐसे, वन टू, फिर इसको झटके से वापस लाना है ऐसे, थ्री फोर फाइव। तो ऐसे जर्क लगेगा तो आपका जहां भी होगी नेवल अपने प्लेस पर तभी आ जाएगी। ये तो ऐसा है कि मॉर्निंग में करना सबसे अच्छा, जब आप उठे हैं उसी टाइम कर लीजिए और रोज कर लीजिए जिसको प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही अच्छा है आपका, इसी टाइम आ जाएगी आपकी। तो फिर ऐसा है कि जिसकी नसें वीक होती हैं, जैसे होता है ना स्टोमक में प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने बताया ये वाला जो पॉइंट है ना सोलर प्लेसिक्स, ये नेवल पॉइंट जो है, ये नाभि का पॉइंट, रोज दो दो मिनट सुबह और शाम आपको दबाना है, जिसका हो ही जाता है, मैक्सिमम का हो जाता है, पता भी नहीं होता उनको। तो इससे क्या है आपका ये जो है कंट्रोल रहेगा नाभि चक्र, और दूसरा आपको ये जर्क मेथड करना है, और एक तीसरा वो सिंपल सा बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपने जो स्टमक है नेवल के अंदर और आसपास थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, जो भी तेल का तेल लगा लीजिए, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए, हल्का सा लगा लीजिए। उसके बाद में क्या है ना, चेक करिए आपने हाथ से कि नेवल जो होती है उसकी जो बीटिंग साउंड होती है, ऐसी जैसे हार्ट बीट करता है ना, हम अगर हार्ट पर हाथ रख कर देखें तो बीटिंग ऐसी साउंड होती है ना, तो इसकी भी होती है ऐसा वाइब्रेशन सा हमें पता चलता है। तो आप जहां सबसे ज्यादा नेवल आसपास ही डिस्प्लेस हुई होती है, तो आपको क्या करना है, पहले तो नेवल के ऊपर ऐसे देखिए, वहां तो होती वो डिस्प्लेस है, तो वो तो ऐसे भी पता चल जाएगा, मैंने बता दिया। ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो ऐसे थंब रख करना उसके नेवल के अंदर, देखिए उसमें बीटिंग जैसी साउंड आ रही है, नहीं वाइब्रेशन हो रही है, नहीं हो रही ना, तो उसका मतलब साफ है वो डिस्प्लेस है। तो चेक कीजिए कहां पर हो रही है अपने हाथ से, ऐसे ऐसे नेवल के आसपास चेक कीजिए कहां पर है। तो जहां पर भी सबसे ज्यादा हो रही है उसके आसपास ही, मतलब वो वहां आपको पता चल जाएगा कि ये ही नेवल है। वो जैसे हार्ट की साउंड अलग होती है ना, पता चलता है आपका ये हार्ट बीट हो रहा है, आप रखेंगे उसी टाइप की उसकी अलग ही होती है। तो जहां पर भी होगी आपको पता चल जाएगा, और थोड़ा ऐसे सॉलिड सा लग रहा होगा कि ये इधर आ गई, पता चलता है पूरा। तो उसको पुश कर करके लाना है। अब आपने नेवल में ऑयल लगाया हुआ है और उसके आसपास भी अपने पेट पर ऑयल लगाया हुआ है, तो उसको हल्का हल्का पुश करके आप जो है ना उसके सेंटर पे लाएंगे। एक ये तरीका, देखिए ये तरीका सब कर नहीं पाते हैं, अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। तो ये भी विद इन फाइव मिनट्स आपकी आ जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर लेटे रहिए एक दो मिनट, तो इस तरह से हो जाएगा। और सबसे जो बेस्ट मेथड है मैंने जर्क वाला बताया, ये जो ऐसे करके स्ट्रेट ऐसे हाथ रख के ऐसे जर्क लगाना है, ऐसे जर्क से मतलब झटके से ऐसे ले जाना है, झटके से वापस लाना है, बहुत तेज नहीं, झटके से लगाना है, झटके से वापस लाना है। तो ये जो होता है ना पूरा असर नेवल पर होता है, वो सेंटर पे आ जाती है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम नेवल को अपने प्लेस पर ला सकते हैं। ओके, थैंक्स।